सब सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में रईस जिसन कराने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, जैसे कि आपको हो गया कि माइग्रेशन का है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो परेशानी मेरे सामने आया है, जैसे माइग्रेशन का सर्टिफिकेट नंबर अपलोड कर दिए हैं लेकिन उसका जो सर्टिफिकेट नंबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद जो रिसिप्ट आया है उसमें कुछ अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आधार कार्ड गलत है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइग्रेशन का फोटो अपलोड ही नहीं हो पा रहा है, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी स्टूडेंट्स का तो हो ही नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पा रहा, इनवैलिड बता रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो आज के न्यूज़पेपर में आई है। रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी से छात्रों की बड़ी परेशानी। तो देखिए, इसमें बहुत सारे जैसे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉलेज में छात्रों को रजिस्ट्रेशन में हुई गड़बड़ी से छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। तो देखिए, हो सकती है आप लोग की रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ जाए क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ स्टूडेंट्स को देखने को मिल रहा है रजिस्ट्रेशन होने में, तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ जाए। तो ऐसा पिछले साल भी करना पड़ा था, इस साल देखिए कैसा होता है। तो यह स्थिति एक कॉलेज का नहीं है, वह PPU के कई कॉलेजों की यही स्थिति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे कॉलेज हैं, एक ही कॉलेज का स्थिति नहीं है, बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें आपको बहुत सारी परेशानियाँ, माइग्रेशन का सर्टिफिकेट नंबर डिफरेंट हो जा रहा है, किसी का इनवैलिड बता रहा है। तो आपको इस टाइप की अगर कोई परेशानी है तो आप जाकर कॉलेज से मिलिए, ना कि आप यूनिवर्सिटी जाइए। ठीक है, कॉलेज जाके आप उसके प्रिंसिपल से बात कीजिए, अगर कोई परेशानी है आप उसके साथ आप एप्लीकेशन और कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा के उसके बाद जो है सबमिट कीजिए, जिस पर कोई एक्शन लिया जा सके। ठीक है, रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज से लेकर के AN कॉलेज के छात्र परेशान हैं। एक तरफ AN कॉलेज के छात्रों की सुविधा को देखते हुए हेल्प काउंटर लगाए गए हैं। तो ये AN कॉलेज में तो हेल्प काउंटर लगा दिया है, लेकिन आप लोगों कॉलेज अगर कोई अलग कॉलेज है तो उसमें हेल्प काउंटर नहीं, तो आप जाकर प्रिंसिपल से मिलिए, बात कीजिए, वहाँ पर अप्लीकेशन लगेगा तो अप्लीकेशन लिख के दीजिए ताकि आपके कोई एक्शन हो सके। ठीक है, यहाँ पर उपाध्यक्ष की देखरेख में इसका संचालन हो रहा है। वहीं रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज की अध्यक्ष ने कहा कि पंजीयन समय रहते सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। नौसाधारण रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज के BSc प्रथम वर्ष में नामांकन लिया, पर पिछले दो दिनों से वह रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास कर रहा लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं हो रहा। इस तरह सिंपी कुमारी RKD कॉलेज में BA के पिछले नामांकन लिया था जब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रही तो उसका इनवैलिड बता रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखिए यहाँ पे इनवैलिड भी बता रहा है, रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, रसीद है, नामांकन की रसीद है, जो एडमिशन लिया था उसमें नामांकन कर रही, इस तरह की गलती 159 छात्रों के साथ है। पिछले साल BA BSc में BCOM में नामांकन तो लिए हैं लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस टाइप की परेशानी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रही है, जो आप कॉलेज से जाकर आप इससे बात कीजिए। ठीक है, उसके बाद RKD कॉलेज के 159 छात्रों की नहीं हो पा रहा रजिस्ट्रेशन, कॉलेज नहीं करवा पाया था विद्यार्थियों का रिजल्ट अपडेट। 2019-21 के छात्रों में फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार जितने भी नामांकन हुए उनमें से किसी भी छात्र का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल नहीं खुल रहा है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने भी छात्र का एडमिशन हुआ था उसका पोर्टल भी नहीं खुल रहा, कॉलेज ने अपडेट ही नहीं किया था नामांकन। छात्रों को बताया कि गलती कॉलेज स्तर पर हुई है, कॉलेज में नामांकन के बाद इन छात्रों का नामांकन ऑनलाइन अपडेट ही नहीं किया गया था, इस वजह से सिस्टम में इन छात्रों का नाम नहीं है, इस वजह से इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। इसमें प्राचार्य इंद्रजीत प्रसाद राय का कहना है कि मामला कॉलेज और विश्वविद्यालय के संज्ञान में है, सूची चली गई है, एक दो दिन में समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन डेट भी बढ़ सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कॉलेज संघ का कहना है कि स्नातक प्रथम वर्ष 19-21 के फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार जितने भी नामांकन हुए हैं इनमें से किसी भी छात्र एवं छात्रा का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल नहीं खोल रहा, रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने में इनवैलिड बता रहा है, जबकि कॉलेज में नामांकन हो चुका है पर उन मोबाइल पर मैसेज आ चुका है आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया, इसके बावजूद भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जितने छात्र हैं रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय का उनमें से किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। हम लोग मांग करते हैं कि ये लापरवाही जितने भी लोग सम्मिलित है उन सभी पर जल्द से जल्द कार्रवाई, वरना पहले पड़ते हैं। तो देखिए रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी परेशानी आ रही थी, तो आप इन जब भी परेशानी आप जल्द से जल्द कॉलेज जाइए क्योंकि आपको लास्ट डेट 18 तक दिया गया है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है डेट बढ़ जाए बट अभी तक कोई भी इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से आप जल्द से जल्द जाके कॉलेज बात कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।